सर्वप्रथम सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इस साल 69वां गणपति उत्सव मनाने जा रहे हैं। आज विराट दर्शन हो चुका है। इस साल हमारे गणपति बप्पा को 36 किलो चांदी और 250 ग्राम का सोने का पेंडेंट आया हुआ है, एक अधिक है। और यहाँ पे हम लोग दूसरे दिन भगवान अयोध्या के रामलला के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए विघ्न नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमारे पूरे समाज के तरफ से हम लोग बड़ा एक गणहोम करने वाले हैं 20 तारीख को सवेरे। ऐसे 19 तारीख कल गणपति पापा के चतुर्थी के दिन हमारे देशों का इसरो के साइंटिस्टों का चंद्रयान के सक्सेस पर हमें हमारे गणपति पापा से हमने प्रार्थना की थी इसका सक्सेस होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग पहले दिन एक गणहोम करने वाले हैं। 250 ग्राम का पेंडेंट इस बार बड़ा है, चांदी बड़ी है, लेकिन कुल मिला के कितने आभूषण होंगे, सबको आकर्षण रहता है मुंबई के सबसे 69 kg गोल्ड है, 300 किलो चांदी है भगवान के पास, ये 36 किलो पकड़ेगा तो 336 किलो हो जाएगा। सर कुल मिला के अगर हम देखें तो एक इंश्योरेंस कवर जो हर बार आप लेते हैं वो काफी बड़ा होता है, ना सिर्फ मंडल के लिए बल्कि आने वाले भक्तों का भी इंश्योरेंस कवर आपके पास होता है, तो इस बार इंश्योरेंस की व्यवस्था किस प्रकार से है? इंश्योरेंस इस साल हमने कुल मिलाकर 360 कोटी 45 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसमें 290 करोड़ हमारे भाविकों के लिए है, हमारे यहाँ पुजारी है, यहाँ जो भक्तजन आते हैं उनके लिए हमने 290 करोड़ का इंश्योरेंस है, गहनों का ज्वेलरी का इंश्योरेंस 39 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है, पब्लिक लाइबिलिटी के लिए 20 करोड़ का लिया हुआ है, कुल मिलाकर 360 कोटी 45 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है। गया साल हमने 315 करोड़ की ली थी, इस साल 360 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है। आने वाले भक्तों को असुविधा ना हो, पुलिस प्रशासन को भी दिक्कत ना हो, इसलिए किस किस तरह की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स और दर्शन के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, समझाए लोगों को आने वाले हैं किस तरीके से दर्शन पा पाएंगे? हमारे यहाँ 24 घंटा दर्शन देता है सभी भाविकों के लिए, हम लोग ने स्काई वॉक बनाया हुआ है काफ़ी सालों से, सवेरे से रात तक अभी पाँचों दिन यहाँ भाविक लोग आते हैं दर्शन करके जाते हैं उसके। और हमारे पास हमारे यहाँ सेवेदार है, भगवान का सेवा करते हैं, हमारे यहाँ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, हमारे पास 65,000 भाविक यहाँ पूजा कराते हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ से दर्शन देते हैं, यहाँ से वो लोग आके प्रसाद लेते हैं, अलग अलग सेवाएं होती है, गण होम है, तुलाभार होते हैं जो मन्नत से मांगते हैं, किसी को कोई बीमार है, किसी को कोई बच्चे का प्रॉब्लम है, किसी को देह का हेल्थ के लिए मांगते हैं, सभी के लिए वो अपने अपने मन्नत यहाँ पिड़ाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग का अन्नदान होता है, अन्नदान में दिन में 15,000 से 18,000 आदमी लोग भावी लोग हम लोग केले के पत्ते में नीचे मिलाकर खाना अन्न भगवान का माँ भोज का खाना खिलाते हैं, वैसे सवेरे 8 बजे से दोपहर को 11:30 बजे तक फड़ार यानी ब्रेकफास्ट इंग्लिश में हम लोग यहाँ देते हैं सभी भाविकों को। और इस साल हमने सिक्योरिटी का आपने पूछा है, हम लोग फेशियल रिकग्निशन जा रहे हैं डिजिटल में, फेशियल रिकग्निशन यहाँ हर कोई आता है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरा कैप्चर हो रहा है, और फेशियल रिकग्निशन का बड़े कैमरा हमने हाई डेंसिटी के लगाए हुए हैं, दो तरीके हैं, एक तो सिक्योरिटी के कारण, दूसरा यहाँ पे जो भी है हमारे हमको इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करके गणपति के बाप हम लोग अगले साल क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे, फुटफॉल काउंट भी होगी।